Dear students, in our last video, we learnt about family and types of family. In this video, we will learn about the definition of nuclear family and joint family. देखिए बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली मैंने आपको कल बताया था, न्यूक्लियर का मतलब एकल परिवार और जॉइंट का मतलब संयुक्त परिवार. न्यूक्लियर फैमिली वो होती है अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड न्यूक्लियर. मीन्स जो वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं वो कौन सी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली, मतलब छोटा परिवार या एकल परिवार. एंड जॉइंट फैमिली अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, सिबलिंग्स एंड कजन्स आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली. और जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार कौन सा होता है? ऐसा परिवार जिसके अंदर दादा दादी, मम्मा पापा, चाचू चाची, सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन और आपके कजन्स मतलब आपके चाचू चाची के बच्चे. ठीक है, फैमिली अ फैमिली विद ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, मम्मा पापा, अंकल, आंट, आपके भाई बहन और आपके अंकल और आंट के बच्चे जो होते हैं वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं? एक जॉइंट फैमिली. तो आपने जो मैंने आपको टॉपिक दिया है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, तो आपने इसके अंदर ये देखना है कि आप किस फैमिली में रहते हो. आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो, और उसको आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा डिफाइन न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को डिफाइन करना है एंड डिफाइन जॉइंट फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएगा अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. एंड जॉइंट फैमिली अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, सिबलिंग एंड कजन्स आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली. ओके स्टूडेंट्स, लर्न अबाउट दीज टॉपिक न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली.